जीरा दई सिवान देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरा दई में सिवान के प्रभार मंत्री प्रमोद कुमार, सिवान पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा, जिलाधिकारी सुश्री रंजिता ने राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद राजेंद्र पार्क में जाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास परिसर के सामने मंगलवार को सिवान सांसद कविता सिंह ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक का उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि राजेंद्र बाबू राजनीति जगत के देवता थे। इनकी जन्मस्थली पर आते ही अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि जीरादेई के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के पहल कर हर मूलभूत सुविधाएं पूरी की जाएगी। सांसद ने कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के डीजी से मिलकर पैतृक आवास को आकर्षक एवं सुव्यवस्थित करने की शीघ्र ही पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाबू के नाम पर बन रहा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय भवन निर्माण एवं पुस्तकों की उपलब्धता के लिए हर संभव मदद की जाएगी। स्थानीय विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि देश रत्न के स्मारक को बृहद रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहल की जाएगी तथा जीरादेई के आदर्श ग्राम के पूरे स्वरूप को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। इस स्मारक का निर्माण दिस सिचुएशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के अंतर्गत भारतीय जन जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुनील कुमार सिन्हा के तत्वावधान में किया गया। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय शोध संस्था का निर्माण एवं स्मारक की चार दीवारी तथा विस्तारीकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये का सदस्यता शुल्क लेकर सदस्य बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय का निर्माण कराकर इसे भारतीय सरकार को सौंप दिया जाएगा। सिवान ब्यूरो रिपोर्टर। राजेंद्र बाबू के पैतृक गांव जीरादेई में हम सब उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भूमि को नमन करते हैं। यह भूमि देश के प्रथम कृषि मंत्री, देश के प्रथम राष्ट्रपति और देश के सांस्कृतिक भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करके सांस्कृतिक भारत के जो सम्मान का जो उन्होंने काम किया वो भी अस्मरणीय इतिहास है जो सांस्कृतिक भारत के प्रतीक। और ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जीवन जिन्होंने मैं सत्याग्रह की भूमि चंपारण का रहने वाला हूँ और मोहन चंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता बनाने के क्रम में उनकी जितनी व्यथा गथा है उसको सत्याग्रह के चंपारण एक पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने दर्ज कर एक इतिहास कायम किया जिस पर आज पूरा देश ही नहीं दुनिया शोध कर रहा है। सत्याग्रह चंपारण बापू की अर्थ नीति और बापू के 150 बरस की जयंती के अवसर पर बापू ने कहा था कि आप मुझे आजादी दीजिए हम आपको राम राज देंगे। वह राम राज का भी अपना जो राम मंदिर है उसका भी निर्माण काम डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जो सांस्कृतिक राष्ट्र का जो सपना वो भी पूरा हुआ। तो आज के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सशक्त नमन करता हूँ और उनके जो अधूरे सांस्कृतिक भारत के जो वर्तमान भारत की सरकार और अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने द्वारा आज ही के दिन जल जीवन हरियाली तब होगा जीवन की खुशहाली यह भी अभियान आज के दिन डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्मदिन के अवसर पर सत्याग्रह की भूमि चंपारण से प्रारंभ कर रहे हैं। यह भी हम सब सौभाग्यशाली बिहारवासी हैं तो एक बार पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अधूरे सपने को आज राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार साकार करने के दिशा में उनके संकल्प को आगे बढ़ा है यही इनके जन्मदिन के अवसर पर सच्ची शुभकामना। सर लगा ये होगा प्रक्रिया 3 है सर कब तक यहाँ पे प्रखंड भवन मौजूद हो गया जो सरकार का सुनिए प्रखंड प्रखंड भवन है ये सब प्रक्रिया 3 है
सरकार धीरे धीरे पूरा। सर यहाँ पे पुस्तकालय भवन का निर्माण करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ।